এক মাস ধরে ঘর বন্ধ থাকার সুযোগে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সালানপুরে। চিকিৎসকের ঘরে নগদ অর্থ, গয়না ও স্কুটার নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। সালানপুর থানার অন্তর্গত বনজেমারি এলাকার ঘটনা। ওই এলাকার চিকিৎসক তানিক প্রসাদ চৌহান পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাড়ি বিহারে গিয়েছিলেন এক মাস আগে। দীর্ঘদিন বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানান গৃহকর্তা। তালা ভাঙা অবস্থায় দেখে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। বাড়ি ফিরে এসে তানিক বাবু খবর দেন সালানপুর থানার পুলিশকে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। चोरी हुआ, जो है ताला टूटा हुआ था और सामान में मेरा सब बिखरा हुआ था और बक्सा गायब है। सोना था करीब, जो है मान लीजिए कि 50-60 हज़ार का वो नहीं है। केस था करीब 30 हज़ार का, 30 हज़ार वो नहीं है। घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था। तो आप लोग कैसे पता चला कि घर में चोरी हुआ? बगल का पड़ोसी ने बोला कि जो मैंने खबर किया कि जो है आपका ताला टूटा हुआ। आप लोग कब पता चला? कल शाम को पता चला, तो सुबह में जो है हम लोग निकले घर से, तो जो है आए हैं 2 बजे, देखते हैं सब ताला वाला टूटा हुआ है और सामान वामान सब बिखरा हुआ है, गाड़ी नहीं है और बक्सा का ताला वाला सब टूटा हुआ है, बर्तन वर्तन कुछ नहीं है। अभी पुलिस को आप लोग जानकारी दिए हैं? हाँ दे दिए, पुलिस आएगा। आपका नाम? मतलब हम लोग देखे ताला टूटल है, तो ताला टूटल है तो हम बोल जाके बबलू के माँ के बोले, डॉक्टर साहब के ताला टूटल है, तो बबलू के माँ के डॉक्टर साहब पर फोन किया। मेरा नाम सिर्फ ताला टूटा हुआ था और कुछ नहीं था? घर खुला हुआ कुछ नहीं, खाली ताला मतलब टूटल था, केवाड़ी लगा था। कब 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 आप देखे? हम देखे कई बजे, 10 बजे। कब दस? আসানসোল থেকে মহেশ দে, রিপোর্ট টিভি নিউজ 10।